हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित कोडैकनाल में घूमने के 10 खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 10 पर है वाटरकनाल वाटरफॉल। ये कोडैकनाल से महज 3 किलोमीटर की दूरी पे है और ये कोडैकनाल में पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट और बेस्ट पिकनिक स्पॉट है। और ये चारों ओर से जंगलों से घिरा एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। ये कोडैकनाल में घूमने जाने के लिए काफी अच्छी जगह है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के अगले प्लेस की ओर। नंबर 9, पाइन फॉरेस्ट। ये कोडैकनाल में वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और ये प्रकृति से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट है और यहाँ पर्यटक काफी आना पसंद करते हैं। यहाँ पर्यटक आकर के प्रकृति के बीच चलना और घूमना पसंद करते हैं। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है और खास करके यहाँ फोटोग्राफर्स काफी आना पसंद करते हैं और लोग यहाँ आकर के कैंपिंग करना भी काफी पसंद करते हैं। ये कोडैकनाल में एक काफी अच्छी जगह है। नंबर 8, गुना केव्स। ये वन ऑफ द मिस्टीरियस टूरिस्ट अट्रैक्शन है कोडैकनाल में। और गुना गुफाएं को डेविल्स किचन भी कहते हैं और इन गुफाओं को सन 1821 में पहली बार डिस्कवर किया गया था। और दोस्तों, यहाँ पे आपको कई सारी गुफाएं देखने को मिलेंगी और टूरिस्ट यहाँ इस जगह को देखने यहाँ काफी आते हैं। नंबर 7, बेरिजम लेक। ये ऊपरी पलानी पहाड़ियों में फोर्ट सिमिल्टन के पुराने स्थल पर है। ये सुलिस ओटोलेट डैम द्वारा बनाई गई है और ये बहुत ही खूबसूरत झील है। और ये कोडैकनाल में घूमने जाने के लिए काफी अच्छी जगह है। आप यहाँ पे कोडैकनाल में घूमने आ सकते हैं। नंबर 6, डॉल्फिन्स नोस। ये डॉल्फिन की नाक की तरह दिखने वाला ऊंची चोटी पे बसा चट्टानी आकृति है और यहाँ से घाटी और पहाड़ों की बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है और यहाँ टूरिस्ट काफी आना पसंद करते हैं। ये चारों ओर से जंगलों से घिरा प्रकृति की खूबसूरती के बीच बसा हुआ है और आप कोडैकनाल में इसे देखने यहाँ जरूर जाएं। नंबर 5, कुरिंजी अंडवा टेम्पल। इस मंदिर को सन 1936 में लोगों के लिए ओपन किया गया था और ये मंदिर भगवान मुर्गन को समर्पित है और इस मंदिर से यहाँ के आसपास के भी काफी खूबसूरत व्यू दिखता है। और टाइमिंग की बात करें तो ये मंदिर सुबह के 6:30 से शाम के 7:30 बजे तक ओपन रहता है और यहाँ पे आपको कुरिंजी फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगी। नंबर 4, क्वाकर्स वॉक। और क्वाकर्स वॉक को सन 1872 में बनाया गया था और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पे आप आकर के प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय है सुबह और शाम के समय। और दोस्तों, आप कोडैकनाल जाएं तो क्वाकर्स वॉक घूमने जा सकते हैं। नंबर 3 पर है कोडैकनाल लेक। इसे कोडाई लेक भी कहते हैं और ये मैन मेड लेक है और ये बहुत ही खूबसूरत झील है। ये झील चारों ओर से खूबसूरती से घिरा हुआ है और ये कोडैकनाल में पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और आप यहाँ पे जा करके बोटिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप कोडैकनाल में कोडैकनाल लेक देखना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 2, सिल्वर कास्केड फॉल्स। ये कोडैकनाल से महज 4 किलोमीटर की दूरी पे है और ये वाटरफॉल हरी भरी प्रकृति की सुंदरता के बीच स्थित है। और मॉनसून के दौरान यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है क्योंकि मॉनसून के दौरान यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है और ये नेचर लवर्स फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और साथ ही में ये एक बेस्ट पिकनिक स्पॉट है। और दोस्तों, हमारे लिस्ट के नंबर 1 पर है ब्राइन पार्क। ये कोडैकनाल में बहुत ही खूबसूरत और हरी भरी पार्क है और ये कोडैकनाल लेक से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। और अगर टाइमिंग की बात करें तो ये पार्क सुबह के 9 से शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है। और इस पार्क के अंदर यहाँ पे आपको चारों ओर बहुत ही खूबसूरत हरी भरी फ्लावर्स देखने को मिलेंगी और ये कोडैकनाल में घूमने जाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस और देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।